नमस्कार व्यूअर्स, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है और मैं हूं अमीश देवगुन। हिजाब के नाम पर प्रोपेगेंडा चलाने वाली एक पूरी ब्रिगेड, इसमें लुटियंस गैंग भी शामिल है, आज वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है, क्योंकि कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ कह दिया है कि हिजाब का इस्लाम धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये कल्चर का हिस्सा हो सकता है लेकिन रिलीजन यानी धर्म से इसका कोई वास्ता नहीं है, यानी इस्लाम धर्म से हिजाब का कोई वास्ता नहीं है। इसको साफ और सुथरी भाषा में हाई कोर्ट ने कह दिया है, लेकिन बड़ा सवाल है, क्या इस विवाद के पीछे कोई बहुत बड़ी प्लानिंग थी, कोई बहुत बड़ी साजिश रची गई थी? जिस तरह से कर्नाटक में एक स्कूल में विवाद को नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दा बनाने की भरपूर कोशिश हुई, बनाया भी गया, उससे कई सवाल उठ रहे हैं। ऑनरेबल कोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा है कि जिस तरह से अचानक हिजाब का मुद्दा उठाया गया, बढ़ाया गया, उससे संदेह पैदा होता है कि कोई अदृश्य हाथ सामाजिक अशांति फैलाने और सौहार्द बिगाड़ने में जुटा था। दोबारा सुनिए, कोई अदृश्य हाथ सौहार्द को बिगाड़ने में जुटा था और अशांति फैलाना चाहता था, यह कहा है ऑनरेबल कोर्ट ने। तो क्या हिजाब के नाम पर पूरे देश को अस्थिर करने की एक बड़ी कोशिश हुई थी? तो क्या कोर्ट के फैसले के बाद इन तमाम बातों पर से नकाब अब उतर गया है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, हिजाब की सियासत कोर्ट में बेनकाब, क्योंकि अब यह सिर्फ एक धार्मिक मुद्दा नहीं है, यह देश में शांति और सौहार्द से भी जुड़ गया है। इसलिए आज का आर पार देखना आपके लिए अनिवार्य है। You are not allowed wearing the hijab in the class. Agar... Inqilab Zindabad! Allahu Akbar! Jai Sri Ram! Karnataka High Court ke hijab ke faisle se disagree karte hain. Ye bahut hi mayuskun faisla hai. हिजाब विवाद में कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है, हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, स्कूल कॉलेज में हिजाब पर बैन जारी रहेगा। लेकिन इस फैसले के बाद क्या हो रहा है, खुद देख लीजिए। ये उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इसको अपील किया जाए। हम कर्नाटक हाई कोर्ट के हिजाब के फैसले से डिसएग्री करते हैं। आर्टिकल 15 को भी के जो डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है रिलीजन के ऊपर, वो उसका भी वायलेशन करता है। बिल्कुल नहीं मानता मैं फैसले को। कोर्ट ने ये कैसे कह दिया कि हिजाब जो इस्लाम का हिस्सा नहीं है? क्या उन्होंने कुरान शरीफ पढ़ा नहीं? उन्होंने उसको मंगा के देखा नहीं? मुसलमानों को क्यों परेशान कर रहे हैं आप? कुरान में औरत के लिए पर्दा करने का हुक्म है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कोई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहा है, कोई धर्म गिनवा रहा है। उधर अलीगढ़ के कॉलेज में कुछ छात्राएं हिजाब पहनकर पहुंच गईं, जिसके विरोध में कुछ छात्र भगवा गमछा पहनकर आ गए। कर्नाटक के यादगीर में तो कुछ छात्राओं ने बिना हिजाब के परीक्षा देने से भी इनकार कर दिया और एग्जाम बीच में छोड़कर चली गई। लेकिन अपने फैसले में कोर्ट ने एक बेहद गंभीर बात कही है। कोर्ट ने कहा, जिस तरह अचानक हिजाब का मुद्दा उठाया गया, उससे संदेह होता है कि कोई अदृश्य हाथ सामाजिक अशांति फैलाने और सौहार्द को बिगाड़ने में जुटा था। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, हिजाब की सियासत कोर्ट में बेनकाब। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, लेकिन आज विश्लेषण में मेरे शब्द नहीं होंगे। आज विश्लेषण में मैं कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्या क्या टिप्पणियां करी है, क्या क्या जजमेंट की कॉपी में है, 126 पेज की ये जजमेंट है, उस 126 पेज की जजमेंट को मैंने पूरा पढ़ा और आपके लिए तीन जो सबसे माफ करिए 128 पेज की जजमेंट है और उस पूरी 128 पेज की जजमेंट के अंदर आपके लिए तीन महत्वपूर्ण बातें कौन सी है, मैं उसको निकाल के लेके आया हूं। पहली बात क्या है, हिजाब पर कोर्ट के फैसले का विश्लेषण सुनिए। शायद ही ये तर्क दिया जा सकता है कि हिजाब जो कि एक पहनावा है, उसे इस्लाम के मौलिक अधिकार के तौर पे सही ठहराया जाए। ऐसा नहीं है कि हिजाब पहनने की कथित प्रथा का पालन करने वालों की तुलना में हिजाब, अब ध्यान से सुनिए, हिजाब ना पहनने वाले पापी हो जाते हैं या फिर इस्लाम की शान में कमी आ जाती है। याचिकाकर्ता यह साबित करने में बुरी तरह से विफल रहे हैं कि हिजाब इस्लाम की कभी ना छोड़ने वाली एक प्रथा है। दोबारा सुनिए, याचिकाकर्ता यह साबित करने में बुरी तरह से विफल रहे हैं कि हिजाब इस्लाम की कभी ना छोड़ देने वाली एक प्रथा है।
हिजाब के फैसले पर यह सबसे बड़ी जजमेंट है, यह सबसे बड़ी जजमेंट है। इसको सुनिए और पढ़िए। अगला पॉइंट, हिजाब पहनने की प्रथा का संस्कृति से कोई लेना देना हो सकता है लेकिन इसका इस्लाम धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसका इस्लाम धर्म से कोई लेना देना नहीं है, हिजाब का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, ये ऑनरेबल कोर्ट कह रहा है। मैं बढ़ता हूं आगे। हम ये देखकर निराश है कि कैसे अचानक बीच सत्र में विवाद खड़ा हुआ, यानी जो एकेडमिक सेशन था, जो एकेडमिक ईयर जिसे कहते हैं, उसमें विवाद को खड़ा किया गया, हंगामा हो गया। आगे सुनिए क्या कहता है कोर्ट। जिस तरह से हिजाब की गुत्थी खुली उससे ये बातें उठना लाजमी है कि कुछ, आगे सुनिए क्या कहता है कोर्ट, कुछ अदृश्य हाथ सामाजिक शांति और सौहार्द बिगाड़ने के काम पर लगे थे। यानी एक पूरा गैंग लगा हुआ था इस देश में दंगा कराने के लिए। ये लास्ट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या बीच सत्र के अंदर इसको इसीलिए हंगामा बनाया गया और कोई अदृश्य हाथ था? यह अदृश्य हाथ कौन सा था? यह अदृश्य हाथ उन बुद्धिजीवियों का था, उन तथाकथित बुद्धिजीवियों का था जो इस देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द राम मंदिर जब बना उसके बाद भी बिगाड़ना चाहते थे, सीए जब आया उसके बाद भी बिगाड़ना चाहते थे, किसान आंदोलन में भी यही वर्ग स्थिति को खराब करना चाहता था। ये कौन सा अदृश्य हाथ है जो देश को अस्थिर करना चाहता है अपने बेनिफिट के लिए? ये लोग तो सिर्फ ट्वीट करते हैं, एक लेख लिखते हैं, लेकिन पब्लिक को झेलना पड़ता है ये सब कुछ। ये लोग कौन थे जो दिल्ली का दंगा करा दिया? यह अदृश्य हाथ सामाजिक शांति और सौहार्द बिगाड़ने के काम पर लगे थे, यानी ये दंगा कराना चाहते थे। ये सब टिप्पणियां आपने सुनी। मेरे साथ बात करने के लिए गौरव।